आगामी होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने शहर के नागरिकों के साथ बैठक ली और चर्चा की। दुर्ग शहर में आगामी लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था के साथ ही लगे आदर्श आचार संहिता का पालन करने दुर्ग CSP कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व मीडिया के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी व SDM के द्वारा शहर की जनता से चर्चा कर बैठक का उद्देश्य बताया गया। साथ ही होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। दुर्ग जिला SDM ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से पर्व को मनाएं। साथ ही तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर रोक लगाई गई है और साथ ही इसका समय भी निर्धारित किया गया है और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों में पाए जाने पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इस तरह की जानकारी दी गई है। ये हमने शांति समिति की मीटिंग ली, इसमें आगामी होली के त्यौहार और लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसमें मेनली हमने ये एम्फेसाइज किया कि होली का त्यौहार होली के त्यौहार की तरह मनाया जाए। इसमें होली के त्यौहार के बाद में कुछ असामाजिक एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो और इसी के लिए और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो लोकसभा, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने किया है। और इसमें जैसे कुछ हमने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर ना बजाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और साथ ही साथ जैसे कुछ सिंथेटिक केमिकल बेस्ड कलर्स हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, उन पे रोक लगाई जाए। और कुछ जैसे गुब्बारे का इस्तेमाल होता है या कुछ इस तरह का, होली में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे इंजरी हो जाती हैं लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें भी ना हों, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे अपराध ना हो। और कई बार होली में देखा जाता है मारपीट हो जाती है, तो उस चीज़ वो भी उन चीज़ों की भी रोकथाम हो, तो इस बारे में हमने लोगों से मतलब ये पॉइंट्स हमने एम्फसाइज किए हैं। ये अलग अलग नियमों के उल्लंघन के लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई की जाएंगी। और जैसे लाउड स्पीकर अगर मतलब 10 बजे के बाद बजता है तो उसमें कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। और साथ ही साथ अगर जो भी कोई अपराध होता है होली के दौरान, तो उसमें हम IPC की जो भी रेलेवेंट सेक्शन है उनके तहत हम कार्रवाई करेंगे। उसमें डेफिनेटली मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन ईगल चलाया जा रहा है, उसमें हम स्थायी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और डेली हम उस पर हम टीम बना के उनको पकड़ रहे हैं और उनको जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम पूरा प्रयास करते हुए उनको अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी होली का महापर्व आने वाला है और उसी के तारतम्य में शांति समिति की बैठक CSP कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें दुर्ग शहर के जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और नागरिकगण और मीडिया के साथी और अन्य लोग शामिल थे, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। जैसे कि आपको मालूम है, होली पर्व में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ चीज़ें भी होती हैं जिसकी उस तरीके से चीज़ें ना हो, सामाजिक तत्व कई बार सक्रिय हो जाते हैं, तो उनसे भी अपील की गई कि उस तरीके से चीज़ें ना हो और किसी को इस तरीके से पता चलता है कि कुछ घटना हो सकती है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे दे ताकि इस तरह से घटना ना हो पाए और शांतिपूर्ण तरीके से हम त्यौहार मना सके, इसी तारतम्य में बैठक रखी गई थी। और DJ और जो वाद्य यंत्र वाले हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि गाइडलाइन के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उसका पालन करते हुए निर्धारित संभव अवधि में ही वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाए, उसके पश्चात ना किया जाए। क्या चीज़ पे यदि शिकायत मिलता है और जेन्यून पाया जाता है, जाँच किया जाएगा और देखा जाएगा यदि, ताकि हमारा उद्देश्य घटना के बाद का नहीं है, घटना से पहले क्या है, ताकि किसी प्रकार की सूचना मिलती है और कोई बड़ी घटना होने की संभावना है तो उसको हमें रोकने का प्रयास करना है और रोकना भी है। इसी उद्देश्य से हमने एक बैठक में भी इन चीज़ों का जिक्र किया है और लोगों से अपील भी की है। जैसे कि अभी आपको पता है कि आचार संहिता भी लागू है, आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन भी करना है ताकि उसके प्रक्रिया का पालन हो, कोई राजनीतिक रूप से प्लेटफॉर्म का उपयोग न करें जो धार्मिक आयोजन हो रहा है उसका, और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें, इसी चीज़ की अपील की गई है। शासन की जो गाइडलाइन आज जारी हुई है उसके सभी नियम को आज दुर्ग शहर पूरी तरीके से माना है, दुर्ग शहर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी व्यक्तियों ने माना है।
शासन को भी आज बता दिया है हम लोगों ने सभी के माध्यम से, अनुरोध भी किया है कि होलिका दहन का जो पर्व है वह 10:45 के बाद ही होगा, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि भद्रा काल में हम लोग होली नहीं जलाते, और इस वर्ष होलिका दहन जो होना है वो 10:45 होना है, क्योंकि 10:45 के पहले भद्रा काल है, भद्रा काल में पूरी तरह से होलिका दहन निषेध बताई गई है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने शासन से भी अनुरोध किया और उन्हें बता भी दिए जानकारी कि दुर्ग शहर में जितनी पारंपरिक और धार्मिक जो होलियां चलती है वो 10:45 के बाद ही चलेगी, और शासन ने अनुरोध किया है, शासन ने एक अपनी बताई भी है कि किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, चूंकि होलिका दहन होती है उसमें लाउड स्पीकर नहीं चलता है, लंगाड़ा बजता है, लंगाड़े में साउंड नहीं लगेगा पर लंगाड़ा सभी होलिका दहन के पास बजेगा, इसका हम लोगों ने शासन को जानकारी दे दी है, और शासन से अनुरोध भी किया है कि 10:45 के पहले किसी भी होलिका को जलाने से पहले आप समिति वालों से अनुमति लेवे और 10:45 के बाद ही होली जलाए। शहर की जनता से और शहर के नागरिकों से एक और अपील है कि जो एक होली का पर्व है उसको बहुत ही शांति ढंग से निभाए, क्योंकि होली का जो पर्व होता है वो कृष्ण का पर्व होता है, कृष्ण बहुत ही शांत सरल और स्वभाव के रहे हुए हैं, उनके द्वारा जो होली खेली जाती थी दूध दही मक्खन से खेली जाती थी, ना कि दारू नशा बाड़ी ये चीज से खेली जाती थी। हम सभी खूब दारू को पूरी तरीके से दूर करें, खूब दही खाएं मक्खन खाएं दूध पिए उसके पश्चात होली खेलें, जो कि कृष्ण भगवान का पर्व है और धूमधाम से खेलें, यही हम सभी से अनुरोध करते हैं। और किसी प्रकार का भी जो रंग कलर जिससे किसी को परेशानी हो वैसा रंग कलर ना करें, हिंदू धर्म का पर्व हिंदुओं के साथ बनाए, और अन्य किसी धर्मों के लोगों जो इससे पर्व से दूर रहना चाहते हैं उनको दूर रहने दें, उनको किसी भी प्रकार का रंग गुलाल ना लगाएं। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।